ਆਰਾਮ ਤੁਮ ਰਹਿਰ ਲੈ ਮਰਹਿਰ ਜਮੀ ਕਸੂਤ ਕਸੂਤ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਰਨ ਆਰ ਆਰਾਮ ਫੜ ਬੈਠ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਮਮ ਤੋ ਤੋ ਸੁਣਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਯਾਰ ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੜਾ ਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਕੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ ਰਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਮਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾਊਂ ਤੇ ਥਾਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਔਰ ਮਾਰੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਰਹੀਏ ਗੇੜਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਭਾਲ ਜਮਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵਾ ਤੋਂ ਗੇੜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ चलो ठीक है भाई ठीक है भाई अकेले रहे अरे या सही नहीं लिख रही लिखने वाले ना गलत लिख रहा की मेरे तो दिखा चिट्ठी है यार अरे चिट्ठी तो मैंने भेजा किसकी है रिया अपनी अरे अपनी तो है भेजी कि आया अरे के घुसड़ मुसड़ कर रहे तुम मैंने बताओ के बात है कुछ नहीं है चिट्ठी जी बना दे थम पढ़ने के वक्त में था पढ़े नहीं गया ये थम करोगे अनुवाद ना मेरे लवा लिया मैं पढ़ूंगा थर तो ज्यादा पढ़ रहा मैं अब बता अभी देव किसकी है यार अरे चश्मा कड़ा रहा मेरा ये चश्मा लावेगा अरे यू तो किसी रामफड़ की छिट्टी है रामफड़ फलानी फलानी तारीख ना अंधो गवा पर था ना अड्डे पर ले जाना उना अरे रामफड़ अरे वाह रामफड़ अपने दोस्त अच्छा अरे बहुत टाइम हो लिया इवलक क्यों नहीं आया इवलक तो आने चाहिए तुसना अरे वो भी कहीं साल मान लाग रहा हो कभी रारू भूल गए हो और के कोई पता भी नहीं अरे यू कौन खड़े फिर कौन है यू कभी यू यू हो लगा तो यू यू है शहर के कोट काट पहन रहा भाई तो और के चश्मा भी लगा रहे देख पूछ कहाँ आगे चल फिर चल ला रामफल मिंदर जिंदर हाँ रामफल अरे 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 कैसे 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 रुको मैं तुम्हारे यहाँ कब से इंतजार कर रहा था कहाँ थे तुम हम उधर थे चलो चलो बहुत बदल गया भाई तुम भी अरे ऐसी कुछ बात नहीं है दोस्तों जमाने के साथ साथ हमें बदलना पड़ता है हाँ मैं मानता हूँ शहर गांव से काफी आगे है पर गांव की कोई रीस नहीं है हाँ यह तो बात सही कहते ना चलो फिर चलो
दादाजी नमस्कार, दादाजी कैसे हो? ठीक है। कुछ खाने का लाओ दादाजी, जल्दी भूख लगी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुना फिर कुछ शहर की बात है। अब बता भाई क्या क्या चीजों का शहर में, और सुनिए उड़ा वाह गलगुल्ले से भी हो वहाँ। अरे गलगुल्ले नहीं, उन्हें रसगुल्ले बोलते हैं भाई। अच्छा फिर केले है हमारे खातर। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसके बारे में ना तुमने सुना होगा ना देखा होगा। इसी की चीज ले आए तो रुको। ये है वो चीज। चीज? अरे ये तो चपला का डब्बा सा। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई, ये चप्पलों का डिब्बा नहीं है भाई, ये रेडियो है, इससे हम गाने सुनते हैं। सुनेंगे किस तरह? तुम यहां बैठो मैं सुनाता हूं तुम्हें। तुम बैठो भाई, तुम बैठो। नींद आ गई यार, सो जाता हूँ। पर ले तो आई ना, अरे ये चल लेगा किस तरह? देखो भी कड़ दबे दोनों बटर। अरे यू देख भाई, देखो फिर। हां सातों गट्टी चढ़ गई नी, बूहे नु जिंदरा चढ़ गई नी, मैं किन्ना गुस्सा कर बैठी वखी विच वजे हूरे दा, हुन बंद पिया दरवाजा। कुत्ता तो भूक रहा है, कुत्ता करता आ गया पता नहीं, यूं कर गले दूने लाट आ गया। यह पड़े फिर क्या? मारे भाज गया कुत्ता तो। हाँ भाज गया, चल तो समेट लिया, चल 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 भाज गया। कुत्ते ने दे दी होगी। रेडियो किधर गई? मेरी रेडियो, तुमको एक दो गाने क्या सुनाए? तुमने मेरी रेडियो भी चोरी कर लिया? नहीं, पीछे क्या है तुम्हारे पीछा? अब भाई यू पकड़ रेडियो, इसमें तो कुत्ते भौंकता। इसमें कुत्ते भौंकते हैं और के? अरे यू अंडे दिए ना। अरे बेवकूफ, ये सेल है इसके। सेल? इन्हीं से तो ये रेडियो गाने सुनाता है। मान ना कि मेरा, भाग जाओ यहां से। लगता है मैंने उन्हें ज्यादा डांट दिया, वो मुझे लेकर भी आए थे, बल्कि है तो मेरे दोस्त। दोस्त? दोस्तों आओ इधर आओ, मैं सिखाता हूं तुम्हें रेडियो कैसे चलती है। वो अंडे नहीं थे, वो सेल थे। अच्छा?
ये बटन शुरू का होता है, इसको कर देता हूँ शुरू, ठीक है, और ये इससे रेंज आती है, इनमें गाने चलते हैं। रुको अभी गाने चलाते हैं। ओ एक ताड़ के जदो तू बिलो तोड़दी जिंद यार दी बर्फ वांगू फुरदी, एक ताड़ के जदो तू बिलो तोड़दी नी। आखिर वो दिन आ ही गया जब रामफल को गांव से अलविदा लेनी पड़ी। गांव के सभी लोग, बच्चे, रामफल के जाने से ज्यादा रेडियो के जाने से दुखी थे। वो रेडियो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। यार रामफल, बस के आने का वक्त हो गया, क्यों नहीं एक बार। यार रेडियो बिना भी जिंदगी जमी सुननी सी होगी, जब रेडियो गेल होए करदा तो वक्त का भी नहीं बेरा लागे करदा। सही बात है भाई, याद है तेरे वो दिन जब रेडियो का अपना टोरडे मारे थे और उसके अंडे गिर गए थे। अपनी जिंदगी का ही एक को मकसद होना चाहिए के अपना मेहनत करनी और वह रेडियो खरीद कर लेनी। ठीक है भाई। नमस्कार दोस्तों, तो आपको हमारी शॉर्ट फिल्म कैसी लगी प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिसका नाम है रेडियो।